हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। एंड आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर के बारे में। तो इस वीडियो से मैं कैपेसिटर के बारे में पढ़ाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए और आज के बाद आपको कैपेसिटर के बारे में कहीं और से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। देखो, फिजिक्स में कोई भी चीज़ पढ़नी है ना, तो उनको आप लोगों को पूरा अपने आसपास की चीज़ों को उठाकर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब वो आपको ज़्यादा समझ में आ पाएंगे और आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप एक हाइपोथेटिकल चीज़ हमें ज़्यादा समझ में नहीं आती है, जो हमें दिखती नहीं है, जिसका हमें यूज़ नहीं दिखता, तो वो उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए हमें भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, और फिर उसके बाद ये हो जाता है कि यार मतलब इंटरेस्ट भी ज़्यादा क्रिएट नहीं होता हमारा उस किसी भी टॉपिक को पढ़ने में। तो पहले ये जान लेते कि कैपेसिटर है क्या, मतलब कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कभी देखा हमने इनको या नहीं देखा है। तो शायद अभी आपको पता हो या ना हो, पर अभी शायद आपको पता लग जाएगा, एक जगह तो आपने पक्का ही देखा होगा कैपेसिटर को, कि आप लोगों के घर में जो पंखा है, जहाँ पर अभी आप बैठे होंगे उसके ऊपर पंखा लगा होगा, रूम होगा, कहीं भी होगा, तो आपने जो पंखा होता है उसके ऊपर एक जो है सिलेंड्रिकल टाइप का नहीं, एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसको हम लगा कर रखते हैं। फ़ैन होता है, उसमें सिलेंड्रिकल टाइप की एक डिवाइस होती है ये ऐसे करके, जिसको हम बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। या आप लोगों के पास घरों में मोटर वगैरह होगी कोई, किसी भी हैवी वर्क काम को करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे घरों में मशीनें होती हैं, कैसी, वो पानी खींचने की एक मशीन होती है जिसको हम टुल्लू पंप हमारी जनरल भाषा में बोल देते हैं, तो वो होता है। उसमें भी आप लोगों ने एक ऐसा डिवाइस देखा हो जिसको बोलते हैं कंडेंसर, ठीक है। अब ये कंडेंसर ही, ये इसका नॉर्मल नेम, जो हमारा कॉमन नेम है वो है, और इसको हम फिज़िक्स में बोलते हैं अपना कैपेसिटर। अब इसको लगाते क्यों हैं, क्या काम है इसका, क्यों लगा रहे हैं हम भाई? आप लोगों ने ये तो समझ में आ गया, आपने एटलीस्ट कम से कम, वैसे तो इसके बहुत इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, लेकिन चलो हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं देखी होंगी हमने, पर ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जहाँ पर हमने इसको देखा ही होता है। तो ये अब हमने इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं, मेन चीज़ है कि इस कैपेसिटर को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। उसके लिए ये ऐसी जगह पर इसलिए यूज़ हो रहा है ताकि आप उस मोटर को स्टार्ट कर सकें, और क्योंकि किसी भी चीज़ को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सपोज़ करो आप रुकी हुई गाड़ी है, बाइक है आप लोगों की, कार है, और नहीं चल रही है, तो आपको स्टार्ट करने के लिए कभी उसको धक्का मारना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको ना ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और एक बढ़िया एग्जांपल ये है कि आप लोगों ने साइकिल चलाई होगी, तो साइकिल जब आप लोग साइकिल चलाते तो जो उसका पहला पैंडल आप मारते हैं तो उस समय आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा पैंडल मारते, लेकिन जैसे जैसे आप रिदम, एक साइकिल जो अपनी स्पीड गेन करती है तो उसके बाद वो उस साइकिल को चलाना बहुत ईजी हो जाता है, तब आपको बस उसको एक सपोर्ट देना है, बाकी वो खुद ही रन करने लगती है, क्योंकि उसमें एक मोमेंटम आ चुका है, काइनेटिक एनर्जी वो कुछ गेन कर चुकी है, अब बस उसको उस काइनेटिक एनर्जी को मेंटेन करने के लिए फोर्स चाहिए। स्टार्ट जीरो से कोई काइनेटिक एनर्जी पर पहुंचाने के लिए कोई उसको एनर्जी नहीं चाहिए, आप जीरो से पहुंचाने में आपने उसको एनर्जी दे दी, वो जो एनर्जी हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है स्टार्टिंग के टाइम पर, ठीक है, किसी चीज़ को उठाने के लिए, उसमें वेलोसिटी लाने के लिए, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो है हमें फ़ैन के केस में ये जो आप लोगों का कंडेंसर है वो देता है, या फिर जिसे हम बोल रहे हैं कैपेसिटर है, ये बेसिकली इसका काम होता है। अब ये एनर्जी क्या है भाई, कैसे है स्टोर करता है एनर्जी? ये जो कैपेसिटर है, क्या बोला मैंने इसको, कैपेसिटर, ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है किस फॉर्म में, चार्ज की फॉर्म में, मतलब इसके अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर एनर्जी है। जैसे कि हम बोलते हैं हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, तो इस बाल्टी में मैंने पानी भरा, तो इसके अंदर पानी भरा तो मैंने बेसिकली पानी, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर कर दी हमने। अब इसी पानी को अगर आप लोग यहाँ से निकालें और ऐसे फ्लो कराएं, तो ये यहाँ पर एक मोटर लगाए तो ये इसको टरबाइन को घुमा सकता है। अगर ये बाल्टी का केस ना हमारे को बहुत बड़ा कुछ मान ले, हम रिजर्वायर है हमारा, जैसे कि हमारा डैम इसी बेसिक
काम करता है। आप लोगों ने 10th क्लास में देखा होगा कि पानी इकट्ठा करते हैं हम डैम में, फिर एक पाइप के थ्रू एक टरबाइन से उसे स्ट्राइक कराते, तो उस टरबाइन को घुमाता है तो पानी ना, लेकिन पानी की फॉर्म में हमने उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली जो कि हमारा एक टरबाइन को घुमाने में काम आती है। वो हमारा एक मेथड है जिसमें हम लोग उसको घुमा रहे हैं। पर हमने करा क्या है, एनर्जी स्टोर करी, लेकिन कैसे करके स्टोर करी, पानी स्टोर करके। यहाँ पर हम कंडेंसर में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, लेकिन कैसे, चार्ज को स्टोर करके, चार्ज को स्टोर करके। तो ये इसका बेसिक चीज़। तो अभी तक हमने क्या समझा इसमें कि हम एक जो कंडेंसर है या कैपेसिटर है उसमें हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। क्या कर रहे हैं, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। और उस एनर्जी को हम यूज़ कहाँ करते हैं, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करना है, उसमें हमें अचानक से उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी है, बहुत छोटे से टाइम में बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी है, तो वहाँ पर हम ऐसी जगह पर हम कंडेंसर को या कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। बाकी और भी यूज़ है, लेकिन ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा बेसिक यूज़ समझाया आप लोगों को। और भी एक दो यूज़ और पता लगेंगे आप लोगों को जैसे हम 12th में आगे बढ़ते रहेंगे और अलग अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू नो द सम अदर यूजेस ऑफ द कैपेसिटर। सो ये बेसिकली दो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, एनर्जी स्टोर कर रहा है और क्यों कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो बताया मैंने आप लोगों को। नाउ अब ये करता कैसे है, कौन से डिवाइसेस होती हैं कैपेसिटर, कैसे चार्ज को स्टोर करता है, तो उसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या पढ़ने वाले हम इसमें। इसमें एक चीज़ है कि जो हमारे नॉर्मल कंडक्टर होते हैं ना वही कैपेसिटर होते हैं। किसी भी कंडक्टर को आप कैपेसिटर बोल सकते हैं। एवरी कंडक्टर हैज़ द पोटेंशियल टू स्टोर द चार्ज, यानी हर एक कंडक्टर के पास चार्ज स्टोर करने की मतलब एबिलिटी होती है हर एक कंडक्टर के पास। मान लो अभी तो ये मार्कर है, अगर मान लो एक कंडक्टर होता, कोई एक तार का टुकड़ा होता या आयरन रोड होती, कुछ भी ऐसा करके, तो ये भी चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन हर एक कंडक्टर की अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग कैपेसिटी होती है चार्ज स्टोर करने की। तो उस पर, और वो जो उसकी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की किसी भी कंडक्टर की, उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। वो वहीं से उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस इसकी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। जैसे कि मैं बोल दूँ मेरे पास एक बाल्टी है, तो बाल्टी मेरे पास एक कंटेनर हो गया। अब वो कितना पानी होल्ड कर सकता है वो उसका मतलब कैपेसिटी हो गई इसकी। तो इसी तरह से कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है वो उसका कैपेसिटेंस। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, खैर वो जब डेफिनेशन आएगी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली ये चीज़ है, अब मान लो कोई कंडक्टर है, तो कोई भी कंडक्टर है ना, इसको हम चार्ज दे सकते हैं। इसको आप कितना भी चार्ज दो, कोई भी कंडक्टर कभी भी चार्ज लेने से मना नहीं करेगा। उसे देते रहो देते रहो देते रहो, वो कभी भी मना नहीं करेगा, चाहे वो चार्ज उस पर रुके या ना रुके। इट इज़ लाइक अ कंड ऐसा एक कंटेनर है, चार्ज को हम पानी की तरह मान लेते। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, डाल रहा हूँ मैं इसमें पानी। ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे भरेगा, इसका लेवल बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और यहाँ तक ये भर गया। अब ये पूरा पूरा भर गया। अब अगर मैं इसके यहाँ से इसमें और पानी डालता रहता हूँ तो क्या इसमें जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, मना थोड़ी करेगा वो। लेकिन अब वो जो चार्ज जो पानी मैं इसमें डाल रहा हूँ उसका कोई यूज़ नहीं है, वो वेस्ट है मेरा, वो इसमें होल्ड नहीं हो रहा है। वो जितना भी आप पानी इसमें डालोगे उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। ये प्रॉब्लम है इसके साथ, क्योंकि अब ये भर चुका है, ये जितना पानी होल्ड कर सकता था उतना इसने कर लिया, अब ये भर चुका है। तो इसी तरह से हमारा कंडक्टर होता है, जितना भी आप इसे चार्ज दे दो दे दो दे दो, ये कभी मना नहीं करेगा, ये लेता रहेगा लेता रहेगा, लेकिन ये होल्ड उतना ही करेगा जितना इसका कैपेसिटेंस होगा, जितना ये होल्ड कर सकता है। अब ये कैसे, मतलब ये चार्ज दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, यहाँ तो समझ में आ रहा है पानी डाल रहे हैं हम इसमें डाल रहे हैं, निकल जा रहा है यहाँ से।
अब इसमें जो कंडक्टर में जो हम चार्ज दे रहे हैं दे रहे हैं दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है? वो कभी नहीं दिखेगा आपको निकलता हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता कि चार्ज आपको जाता हुआ भी दिखेगा और निकलता हुआ भी दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है कभी भी। ये एक इनविजिबल चीज़ से मान लो आप, जो दिखती नहीं है, बस एक कहते ना एनर्जी, भगवान है, बस फील किया जा सकता है, बाकी इसमें कुछ इसको समझ फील के देखा नहीं जा सकता है, बस मान लो चार्ज है। तो अगर वो लीक हो रहा है तो कैसे हो रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, तो क्या होता है? अब आते हैं कैपेसिटर के, थोड़ा धीरे धीरे हम बिल्डअप कर रहे हैं और धीरे धीरे आप समझते रहिए कि हो क्या रहा है। कि आपने जब एक कंडक्टर को चार्ज दिया तो होता क्या है, जब हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका ना पोटेंशियल बढ़ता है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो इस बात को, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों के कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट होंगे। प्रॉब्लम यही है कि बच्चे ना इसे ऐसे ले लेते हैं और इस कहानी को दोहराते नहीं, अपने दिमाग के साथ नहीं बोलते हैं। ये आपको खुद से बोलना है ये लाइन, तो आप रट लो या बोल लो अपने आप को कि क्या जो मैंने अभी बोली, क्या क्या बोला, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। ये रट लो, एक मंत्र है, बस दिमाग में इमेज छाप लो अपने, बस कि ऐसा होता है। बस जब भी आप किसी कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है, हर एक कैपेसिटर के लिए अलग अलग चीज़ है। अब ये हम इस कंटेनर के केस में भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कंटेनर है और दूसरा कंटेनर है इतना, इसमें पानी डाल रहा हूँ, इसमें मान लो मैंने 1 लीटर पानी डाला और इसका लेवल बढ़ के यहाँ पर पहुँच गया। अब इसमें भी मैंने 1 लीटर पानी डाला, बट अगर मैं इससे साथ कंपेयर करूँ तो क्या इसका लेवल इतना, इसका लेवल तो इतना बढ़ा था, तो क्या इसका लेवल इतना बढ़ेगा? नहीं, इसका लेवल सिर्फ इतना ही बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है, पानी तो सेम है ना, लेकिन इसका लेवल ज़्यादा बढ़ा और इसका लेवल कम बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि भाई देखो, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है इसकी विड्थ ज़्यादा है और इसकी जो विड्थ है वो कम है। बट आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि सेम पानी डालने पर इसका लेवल कम बढ़ा और इसका ज़्यादा बढ़ा। तो इसी तरह से कंडक्टर टू कंडक्टर डिपेंड करता है कि हम अगर मान लो किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज दे रहे हैं तो उसका लेवल यानी उसका पोटेंशियल कितना बढ़ेगा। यहाँ लेवल के कंडक्टर के केस में हम लेवल की बात नहीं करेंगे, हम पोटेंशियल की बात करें। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है। अब पोटेंशियल अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिपेंड करता है अलग अलग कंडक्टर पर अलग अलग कि कितना इंक्रीज करेगा कितना नहीं। तो किसी कंडक्टर में कम करेगा, किसी कंडक्टर में ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल के आती है एक डेफिनेशन। अब वो क्या है, वो ये है कि कैपेसिटेंस क्या होता है। यहाँ से कैपेसिटेंस का रोल स्टार्ट होता है। कैपेसिटेंस क्या चीज़ है? ओके, कैपेसिटेंस आपका जो है वैल्यू है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या है ये, चलो मैं इसका थोड़ा सा इससे पहले, हाँ मैंने ये बढ़ाता हूँ मैं, कि अब मान लो एक आप लोगों का कैपेसिटर है, आपने इसको चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ा। इस वाले केस में देखते, अपने इसको पानी दिया तो इसका लेवल बढ़ा, और पानी डालोगे तो और लेवल बढ़ेगा, और पानी डालोगे तो और लेवल बढ़ेगा, ऐसा होता रहेगा ना। इसमें भी और पानी डालोगे तो और लेवल बढ़ता रहेगा। इसी तरह से जैसे जैसे आप कंडक्टर को चार्ज देते रहेंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज घटाने पर पोटेंशियल घटेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है, क्या कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या चार्ज के। इस समझ में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा ये क्या चीज़ है। पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर एंड चार्ज गिवन टू द कंडक्टर,
ये दोनों डाल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, यानी जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ा रहा हूँ तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू द कप। एक बात और, चार्ज देने पर पोटेंशियल बढ़ता है, ऐसा नहीं है पहले पोटेंशियल होगा फिर चार्ज का कुछ है, नहीं पहले चार्ज दो गया तब पोटेंशियल बढ़ेगा, ये इतनी बात अपने दिमाग में डाल लो ठीक। अब एक बात समझो, पोटेंशियल बढ़ा चार्ज बढ़ाने पर ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कैसे, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अब अगर हम आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे ये सॉरी ये हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट पुट कर देते हैं। अब वो कॉन्स्टेंट क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा आप लोगों का क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा, मैंने इसको हटाया और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या हो गया सी, और ये हो गया मेरा वी, यानी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरा सी वी, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी। तो अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, सिंपल क्या बन गया, Q अपॉन वी। तो एक बात अब यहाँ ध्यान से, यहाँ ना कंफ्यूज किया जाता है कई बार बच्चों को, देखो बेसिक समझो क्या चीज़ है, चार्ज बढ़ाने पर पोटेंशियल बढ़ा, या ये कह दीजिए मतलब पोटेंशियल बढ़ता है चार्ज बढ़ाने पर, जो भी है जिस जैसी तरह से आप इसको लिखना चाहें, तो ये बढ़ाने पर ये बढ़ रहा है, लेकिन फॉर्मूला जब हम इस फॉर्मूला को देखते हैं कि C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, तो मैं क्या करूँगा कि कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है कि भाई मैंने Q को बढ़ाया तो बताओ C का क्या होगा, तो यहाँ फॉर्मूले की तरफ देखते हुए ऐसा नज़र आता है कि यार Q बढ़ाऊँगा तो C भी तो बढ़ेगा, नहीं गलत कॉन्सेप्ट है, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि Q के C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू के, और यहाँ से एक और चीज़ दिख रही है कि C जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, यानी जब आप चार्ज को बढ़ाओगे तो C बढ़ेगा और अगर V को बढ़ाओगे तो C घटेगा। लेकिन ध्यान रखिए इस बात को, हो क्या रहा था, चार्ज बढ़ाने पर V बढ़ रहा था, पोटेंशियल बढ़ रहा था, ये तो कैपेसिटेंस है, क्या चीज़ है, जो कि एक कॉन्स्टेंट चीज़ है, चार्ज को घटाने बढ़ाने से कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज को बढ़ाइए तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, चार्ज को घटाइए तो पोटेंशियल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, बट कैपेसिटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूले की फॉर्मेशन पे मत जाइए, कंफ्यूज करने के लिए बहुत बार पूछ लिया जाता है, लेकिन बेसिक पे जाइए कि बेसिक क्या था, हमने कहाँ से इस फॉर्मूले को निकाल के लेके आए, कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ, जो चेंज नहीं होता। नाउ ये हो गया आप लोगों का कैपेसिटेंस, ये हो गया आप लोगों का जो कि एक कांस्टेंट है। अच्छा तो अब इसकी यूनिट देख लेते हैं, हम यूनिट क्या होती है, यूनिट इसकी होती है आप लोगों की फैरेड, जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है वो होती है फैरेड, ठीक है, बाकी अभी डिस्कस करेंगे कि फैरेड कैसी यूनिट है क्या नहीं है, दैट्स अ डिफरेंस, जो इसकी आप लोगों की ऐसा यूनिट है वो आप लोगों की फैरेड है। तो C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन बी, नाउ अब एक चीज़ और, मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि जब मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ, जैसे मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ तो ये भर जाएगा, और एक बार एक टाइम ऐसा आएगा आप इसमें पानी डालते रहे लेकिन वो उसे होल्ड नहीं करेगा, वो लीक होता रहेगा। फिर मैंने कहा कि ये कंडक्टर भी ऐसा ही करता है, आप इसको चार्ज देते रहे कभी भी मना, कोई चाहे इतना सा कंडक्टर हो चाहे इतना बड़ा कंडक्टर हो, वो कभी भी चार्ज लेने से मना नहीं करेगा, देते रहो आपको, फिर कहाँ जाएगा क्या होगा। अब उस पर आते हैं,
जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ा, ये कहानी क्यों बताई गई अभी पता लगेगा कि क्यों बताया जा रहा था। जैसे जैसे हम चार्ज को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, हमने चार्ज को, सॉरी हाँ, चार्ज को बढ़ाया तो पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। पोटेंशियल बढ़ने से क्या होता है, ये जो कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ कोई मीडियम है, मीडियम है, सपोज करो कोई भी अगर मीडियम नहीं है तो इस समय अगर मैं सिंपल अगर ये रखा हो, ये कंडक्टर मानो, तो इसके चारों तरफ एयर तो है ही, तो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, सारे के सारे क्या चार्ज पार्टिकल हैं। और जब मैं इसका पोटेंशियल बढ़ाता रहूँगा बढ़ाता रहूँगा बढ़ाता रहूँगा, तो ये क्या करेगा, इसका पोटेंशियल इतना हाई होता रहेगा, हाई होता रहेगा कि अपने चारों तरफ ना एक ओरा क्रिएट कर देगा, इफेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। और ये कोशिश करेगा कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। और मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होते हैं कहीं ना कहीं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और कोशिश करेगा ये कि इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, जहाँ इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के, या फिर आप लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलिए उसके, खैर उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो बस इतना समझिए कि पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, मान लो ये प्लस प्लस है, आपने इसको प्लस देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे, तो ये अपने इसकी एनर्जी नहीं बढ़ती रहेगी क्या, इसका इफेक्ट नहीं बढ़ता रहेगा। आप जब किसी चीज, कोई भी मैग्नेट है, अब वो मैग्नेट है, अब वो किसी कील को खींच सकता है, वो दूर रखी हुई है, अभी मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है उसको मैं नहीं खींच पा रहा, मैंने बड़ा रख दिया, और अभी भी नहीं खींच पा रहा, मैंने और इसकी पावर बढ़ा दी, अभी भी नहीं खींच पा रहा और बढ़ा दी, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना वो उसको खींच ही लेगा। इसी तरह से ये हो रहा है कि ये जो प्लस है ये अपनी, मतलब ये मान ले इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी खींच नहीं पा रहा है इसको, लेकिन जब मैं इसको चार्ज देता रहूँगा देता रहूँगा देता रहूँगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको खींच ही लेगा। इसके चारों तरफ जो, इस कंडक्टर के चारों तरफ जो एक एयर, जो भी मीडियम है, पानी हो सकता है, कोई भी दूसरा सब्सटेंस हो सकता है, एयर हो सकती है, फिलहाल हम एयर मान के चल रहे, तो इसके मॉलिक्यूल्स को, इसके इलेक्ट्रॉन को एकदम ये खींच लेगा। खींच लेगा यानी क्या किया इसने, इस मॉलिक्यूल में से इसको अलग कर दिया। अलग कर दिया तो क्या हुआ, जो मैंने चार्ज एक प्लस इसको दिया था वो इस इलेक्ट्रॉन ने आकर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब सपोज करो कि ये कंडक्टर इस इलेक्ट्रॉन को तब खींच लेगा जब इस पर 101 चार्ज होगा। तो जब मैंने क्या किया, इसको चार्ज दिए, पहले एक दिया, 10 दिए, 20 दिए, 30 दिए, 40 दिए, 50 दिए, इसकी एनर्जी तो पोटेंशियल तो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी इतना नहीं है कि इसको खींच सके। सो हुआ तो तब तक इसने इसको नहीं खींचा, जैसे ही मैंने इसको 101 प्लस चार्ज दिए तो ये इसको खींच लेगा, एक को खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को। अब ये कितने प्लस हो गए थे, 101, अरे एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसका चार्ज कितना होता है, माइनस का वन हो गया, तो कितने बचे, अभी तो सो ही है वो, उस इलेक्ट्रॉन ने आगे उसको क्या कर दिया, एक प्लस को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जैसे मैं दूसरा दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन, फिर वो एक इलेक्ट्रॉन को खींच पा रहा है, खींच ले रहा है, तो फिर वो सो गए। यानी क्या हो रहा है, इससे जितना इसका एक कैपेसिटेंस है उतने ही चार्ज है इसमें, उतना ही चार्ज है इसमें, जितना इसका कैपेसिटेंस है उतना ही चार्ज है इसमें, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता है, ले तो लेगा लेकिन लीक कर देगा। इसको बोलते हैं वो मैक्सिमम पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पर ये आसपास के ये कोई कंडक्टर जो आसपास के मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पर, तो इस तरह से क्या होता है, चार्ज लीक होता है। अब ये चार्ज लीक हो गया, ठीक है, यानी इसका मीनिंग ये हुआ इस कंडक्टर पर हम 100 से ज़्यादा चार्जेस को नहीं रख सकते, तो ये एक लिमिटेशन होगी, यानी इसकी 100 लिमिट है तो 100 ही होगी बस, इसको नहीं बढ़ा सकते, बस हो गया, अब ये इतना ही होल्ड कर सकते हैं। तो हमें एक बात यहाँ से ये समझ में आई कि कोई भी कंडक्टर है वो उसकी एक लिमिटेशंस होती है कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, और वो लिमिटेशंस किस पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पे।
देखो ये चार्ज लेने से मना नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम ये है ये पोटेंशियल बढ़ गया इतना, ये पोटेंशियल इतना बढ़ गया, 100 हो गया, 100 के पार जाते ही वो ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पर देखें प्रॉब्लम ये नहीं है कि पानी लेने से मना कर रहे हैं, मना नहीं करेगा, अपनी मर्जी हम दे सकते हैं इसको। प्रॉब्लम ये इसका लेवल यहाँ तक हो गया, इट इज़ फिल अप टू द ब्रिम एंड द प्रॉब्लम इज दैट नाउ वट एवर द वाटर आई फिल हेयर इट विल गो आउट। लेने से मना नहीं करेगा लेकिन सारा का सारा पानी बाहर भेज देगा। अगर मेरे को और ज़्यादा पानी इसमें स्टोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक काम कर सकता हूँ क्या, ये जो लेवल इतना बढ़ेगा था पानी का इसको कम कर दूँगा। कम कैसे हो सकता है, क्या दिमाग है बताओ, कम कैसे हो सकता है, पानी को निकाल दे। अरे पानी निकालने का मीनिंग मेरे को इसमें और ज़्यादा पानी होल्ड करना है, पानी निकालने का मीनिंग तो मैंने पानी और कम कर दिया। अभी मान लो 100 लीटर था, मैंने उसको 90 लीटर कर दिया, उससे क्या हुआ, मैं तो चार्ज ही कम हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा जो काम है वो तो पूरा ही नहीं हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ मेरा चार्ज उतने का उतना ही रहे, इसमें अभी 100 लीटर पानी है तो 100 लीटर का 100 लीटर ही रहे, लेकिन ये लेवल कम हो जाए किसमें और ज़्यादा पानी आ सके। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसकी विड्थ को बढ़ा सकता हूँ, पहले इतनी थी इसको इतना कर सकता हूँ। अब ये पानी जो इतना था अभी भी इसमें 100 लीटर है लेकिन ये इतना लेवल बन जाएगा इसका। अब इतने ये जो लेवल है इसका इतना, ये खाली हो गया। अब इतने उसमें मैं दोबारा और पानी भर सकता हूँ, इतना और होल्ड कर सकता है। ये तो हो गया कंटेनर की बात, ये हम कंडक्टर के केस में कैसे कर सकते हैं, कैपेसिटर के केस में कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, 2-3 तरीके हैं हम बताएंगे और वो सारी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक मैंने सिर्फ आज आप लोगों को इतना बताया कि ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो गया, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, क्योंकि आप लोगों को बेसिक से समझाना ज़रूरी है कि कैपेसिटर है क्या। हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, लेकिन जब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि हम बेसिक में तो गई नहीं है, हमने तो सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आपको और कितनी देर, सबको पता है कि क्यू चार्ज होता है, सी याद कर लिया कैपेसिटेंस होता है, वी पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बस इतनी सी बात। लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने पाते हैं तो ये होते ही नहीं, इसी फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हम बेसिक नहीं पता ये कैपेसिटर है क्या। अगर हम उसको बेस से लेकर चलेंगे, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो हम ज़रूर क्वेश्चन कर पाएंगे। और ये मेरा वादा है, अगर आप पढ़ते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछ लो, कहीं भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लो, ठीक है। लेकिन जब मैं इस टॉपिक को एंड करूँगा तो आप लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन, मोर देन 80% क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू दैट। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे और यहाँ से कुछ लाइंस जो मैंने बोली हैं, कुछ वर्ड्स जो भी मैंने बोले इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी इस वीडियो में आप लोगों को खुद से लगा इंपॉर्टेंट है सुनकर, तो वो लोग आप ज़रूर अभी नोट में लिखेंगे। बिना नोट्स के पढ़ाई नहीं होती, आप लोग देख लीजिए, ये एंटरटेनमेंट गाना थोड़ी है कि देख ले एंटरटेनमेंट हो गया, गाना थोड़ी चल रहा है, वीडियो थोड़ी चल रही है, फिल्म थोड़ी चल रही है कि आप लोग यहाँ से, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व आप करने, यहाँ से आ चीज़ें आप लोगों को सीखनी है, फिर उनको इन मतलब अप्लाई करना है अपने स्टडी पर, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर। कुछ नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि जिनको आप रिवाइज कर सकें, और आप बार बार इस वीडियो को देख भी नहीं सकते, वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा ना। तो इससे आगे का कि हम कैपेसिटर को कैसे उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे और उसको इंक्रीज करेंगे बिना ये, इतनी तो बात समझ में आएगी कि अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो आप लोगों को पोटेंशियल गिराना पड़ेगा, मतलब चार्ज उतना ही रहे, जैसे यहाँ पर करा हमने, लेवल गिरा दिया, पानी 100 लीटर था 100 लीटर ही था लेकिन मैंने उसका लेवल गिरा दिया, मैं इसमें और ज़्यादा, इसी तरह से ये मैंने इसको 100 चार्ज दिए तो 100 के 100 ही रहेंगे, बट मैं क्या करूँगा इसका पोटेंशियल गिरा दूँगा, ठीक है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटेंस को और अच्छी तरह से
समझ पाएंगे। और मैं आप लोगों को और इसका मीनिंग अच्छी इसी फॉर्मूले का एक और अच्छा सा मीनिंग बताऊंगा कि ये क्या कहता है। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।